हेलो विनोद। हाँ विनोद, मेरी विनोद को विनोद हो गया है, उसके लिए विनोद ले आओ। क्या निरोध ले आओ? निरोध विनोद को क्या हो गया है? अरे विनोद को विनोद हो गया है, विनोद ले आओ। क्या रॉड ले आओ? कौन सा रॉड ले आऊं? लोहे का सरिया लाऊं कि ट्यूब रॉड? अबे रॉड नहीं, विनोद विनोद विनोद। क्या बिंदी बिंदी लगाने की क्या पड़ी है भाई? अरे माँ चुदी पड़ी है। आ गए सब? खैर आज हम लोग बात करने वाले कुछ नटखट शरारती क्यूटी 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 पाइस बॉयज के बारे में। ये ना तो माचो बॉयज हैं और ना ही लेडी बॉयज, ये हैं बीटीएस बॉयज। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ बोलो यार, ऐसे मजा नहीं आती यार। 1 2 3 बीटीएस बॉयज। देखो एक है बीटीएस का फैन बेस विच इज गुड, एक है बीटीएस का फैन बेस जिसमें सब निकम्मे निठल्ले बीड़ी के बंडल होना भी बीटीएस फैंस है, जिनको पता नहीं बीटीएस क्या है, एक परफॉर्मेंस नहीं देखी होगी, लेकिन दीदी बीटीएस की फैन है। बीटीएस इज माय ऑक्सीजन, ऑक्सी प्लस जिन इक्वल टू ऑक्सीजन। इंडियन बट कोरियन फ्रॉम हार्ट, कोरियन फ्रॉम हार्ट, कोरियन फ्रॉम हार्ट। शाबाश, गुड, वेरी गुड। अगर जा पाती तो चली जाती ना यार कोरिया। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो लात मार के भगा देंगे। भाग यहाँ से, हट। तुम मानो या ना मानो, तुम बीटीएस के फैन नहीं हो, तुम्हें सिर्फ इनकी शक्लें पसंद है। काफी फर्क है दोनों चीजों में, आई होप तुम रिलेट कर पा रहे होगे। बीटीएस के लिए लंबी चौड़ी स्टोरीज डालने के लिए खटाखट चल गए तुम्हारे हाथ, लेकिन एक बार की तुम्हारी मम्मी तुमसे बोले बेटा पैर दबा दो, तब क्यों नहीं चलते तुम्हारे हाथ? बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। बीटीएस फैंस माइट गेट ऑफेंडेड, तो हो जाना यार ऑफेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो से ना बीटीएस को कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही मुझे। खैर इन्हीं सबके बीच में गया अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे, लोगों ने इतने भैरंड तरीके से रोस्ट किया हुआ है ना, तो आज हम लोग इन्हीं रोस्ट का रोस्ट करने वाले हैं। तो वाओ यार, थोड़ी देर के लिए लफंडरी करना बंद करो। ओके लेट्स स्टार्ट। बीटीएस इज द एटीएस मोस्ट बॉटम, यू नो। ता इंग्लिश नहीं बोलेगा बे, हिंदी बोलो यार, तुम हिंदी बोलो। करे जा रहा है तब से। अरे 2 मिनट हल्का हो लो फिर बना लेना वीडियो। मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ लेकिन सच बता रहा हूँ यार। देखो लुक्स पे मत जाओ, टैलेंट पे जाओ। सही बता रहा हूँ, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, टैलेंट देखो, लुक्स मत देखो। क्या बात है, क्या बात बताई है भाई ने, लुक्स डज नॉट मैटर। इसी बात के लिए मैं भाई को चार चमाट मारूंगा। अभी कुछ देर पहले भाई कह रहे थे that it is much more better than your looks and also your content should be, you know, top of the level like burn direction। चलिए भाई अब आप फूट लीजिए, निकल यहाँ से, भाग, हट। इसके बाद जो वीडियो मेरे हाथ लगी ना, पूरा एक्सपोज करा है बीटीएस को। फैक्ट्स व्हाट दे डोंट वांट टू टेल यू अबाउट, हैशटैग केपॉप, हैशटैग बीटीएस बैंड, इल्यूमिनाटी कंफर्म्ड, हिंदी उर्दू। अरे बस भाई समझ गया यार मैं। 2010 से आज तक जो सक्सेस केपॉप कल्चर को मिली है उसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं जो कोरियन पॉप स्टार्स इस इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं। ये सब हासिल करना इतना आसान नहीं था, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी हैं बेचारों को। कोरिया में इनसे मजदूरी कराया जाता है, डेली लेबर, ईंटा सप्लाई करते हैं ना ये बेचारे, है ना। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है कि बीटीएस जैसे तमाम म्यूजिक बैंड्स और सिंगर्स अपने मैनेजर्स के साथ अपने करियर को शुरू करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें मैनेजर्स इन आर्टिस्ट की मेहनत का सारा प्रॉफिट ले लेते हैं। दोस्तों ये मैनेजर्स या पैसे वाले कोई और नहीं बल्कि वही इल्यूमिनाटी हैं। अच्छा तो ये 3 टकले इल्यूमिनाटी हैं, शक्लें देखो यार एक एक की, 2 रुपया की बीड़ी फूंक के खुद को इल्यूमिनाटी समझ रहे हैं ये बुड्ढे। अगर कोई स्टार जरा सा वेट गेन कर ले तो उसे वेट कम करने के लिए खाना स्किप करवाया जाता है। मैनेजर्स इनके वेट पर कड़ी नजर रखते हैं और वेट जल्द से जल्द कम करने के लिए ये लोग इन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना देते हैं। बीटीएस फैंस, एक वक्त की रोटी नसीब होती है बीटीएस को, खाना तक नहीं मिलता इनको और तुम लोग खुशियाँ मना रहे हो, ऐसे करोगे अपने आर्मी को सपोर्ट? हाँ अलमास जी का इतने दावे के साथ और कॉन्फिडेंटली चीजें बता रहा है ना, मानो यही एक वक्त की रोटी देता है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जब इतना ज्ञान है ही तो तुम YouTube पे क्या कर रहे हो यार, खोल लो कोई धर्मशाला, वहाँ पे ज्ञान दो सबको। तो अगर इन्होंने 1,00,000 रुपया कमाया तो उसका 10,000 रुपया बैंड को दिया जाएगा और 10,000 रुपए में से 2,000 5 अगर मेंबर्स हैं तो 2,000 सबको आएगा। देख रहे हो बीटीएस फैंस, 2,000 रुपए पगार है महीने की बीटीएस की,
पहले तो उसे पकड़ो जिसने अलमास जेकब को यूट्यूबर बनाया, उसके बाद अलमास जेकब को पकड़ो और इसको आलू की बोरी के अंदर भर के गन्ने के डंडे से पीटो। कुछ भी बोले जा रहा है यार ये तब से। अलमास जेकब के हिसाब से हार्डवर्क एग्जिस्ट नहीं भाई, हार्डवर्क कुछ नहीं होता, इल्यूमिनाटी प्रूफ करना है तो बताओ। इस बंदे ने लिटरली किसी को नहीं छोड़ा, सुशांत सिंह से लेकर बिली इलिश तक सबको इल्यूमिनाटी प्रूफ कराया इसने। सलमान खान ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा है, अरे इल्यूमिनाटी नहीं, उन्हें पहले मारुति ड्राइविंग स्कूल भेजो, ड्राइविंग ड्राइविंग सिखाओ, थोड़ा गाड़ी वाड़ी चलाएं। लेकिन ये बात तो तुमको माननी पड़ेगी कि इसने काफी रिसर्च करी है बीटीएस के फैक्ट्स ढूंढने के लिए, सारे गलत हैं। कैरी मिनाटी इज इल्यूमिनाटी, वी आर द वॉचर्स। और अब इसकी म्यूजिक वीडियो यलगार पर 33.3 मिलियन व्यूज पहले ही 24 घंटों में आए, यहाँ पर भी एक बार फिर से 33 नंबर दिखाया जा रहा है। और ये 33 शैतान का नंबर होता है, अरे ऐसे कैसे मान लूं यार, मैं बोलूंगा 69 है शैतान का नंबर। करेगा तो उनके लिए, काम करेगा तो उनके लिए, मरेगा तो उनके लिए। अरे किन के लिए ये तो बताओ, ये तीन टकले बुड्ढों के लिए। नहीं अलमास जेकब पागल नहीं है, नहीं पागल बोल के उसका अपमान मत करो यार। He is a survivor, क्योंकि आटा पीसे जाने वाले मशीन से ये इकलौता जिंदा बाहर निकला है। देखते ही नीचे से निकले पसीना, आंधी आंख भी है लाल, आगे पीछे आतंकवादी है रे, आतंकवादी वादी, आतंकवादी है रे, आतंकवादी वादी, घुस के भी मैं तेरे गोली चला दी मैं। भवरे रंग का गमछा और हाथ में एक दिवाली वाली पिस्टल, खचांग खचांग, फुल गुंडा राज चालू है, देसी कट्टा का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवादी है रे, आतंकवादी वादी, आतंक उमड़ा। 10 साल का है ये नवजात शिशु, होली वाली पिचकारी बंदूक से ये आतंक फैलाएंगे, शाबाश। और ये मेरा आतंक क्या होता है यार, तेरा मेरा सबका आतंक एक ही होता है। काम हो गया, अरे छोटू देख रहे हो छोटू को, काम कर दिया छोटू ने। गुंडाई देख रहे हो केक की, मर्डर किडनैपिंग स्मगलिंग, ये लोग तो ये अभी से कर रहे हैं, बड़े होके ना जाने क्या क्या लपेट लेंगे ये। ये छज्जे पे बैठ के जो ये दादागिरी दिखा रहा है ना, मेरे सामने अगर ये आ गया तो इसको ढकेल दूंगा, पीछे गिर के सर फट जाएगा इसका। अबे एक अब भगाओ यार, ये कौन से पिंजरे से छूट के आया है, पहले इसको कैद करो जाके वहाँ। तो यार इंडियन में यही कहूंगा कि BTS fans need to understand कि म्यूजिक सब्जेक्टिव होता है, किसी को तुम्हारा फेक लव पसंद आएगा तो किसी को ये आतंकवादी सॉन्ग 2020 ही पसंद आएगा, इसलिए हर जगह आर्मी घुसाना बंद करो। तो आज के लिए इतना काफी था, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए ना तो नीचे वो जो लाइक वाला बटन है ना उस पे इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाओ या टिल्टेड मुझे नहीं पता, उसे दबा दो। एम करते हैं 200 लाइक्स की, तो कर देना यार। और अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो सपरा, अरे कहना क्या चाहते हो, आई वॉन्ट टू रीच 1 मिलियन लाइक्स, सो प्लीज सरा पकड़ा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाके उसे टैप करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। This is